तो फाइनली दोस्तों साउथ के सुपरस्टार मास महाराजा रवि तेजा के कैरियर की एक और जबरदस्त सस्पेंस एंड थ्रिल से भरपूर मूवी जिसका नाम है रावणासुरा। और इस मूवी के अंदर सुपरस्टार रवि तेजा हमें बिल्कुल नेगेटिव किरदार में देखने को मिलने वाले हैं और वो एक के बाद एक यंग लड़कियों का मर्डर कर रहे हैं। तो आखिर वो सीरियल किलर है या फिर उसके साथ कोई घटना घटी थी जिसकी वजह से उसका मेंटल ऐसा हो गया है, या फिर वो किसी से बदला लेना चाहता है, आखिर वो कौन है? इन सारे सवालों के जवाब तो आपको पूरी मूवी देखने के बाद ही मिलेंगे। तो इस मूवी का जो ट्रेलर निकल कर आया है तो उसके अंदर ना तो हमें कॉमेडी देखने को मिलती है ना रोमांस देखने को मिलता है, केवल और केवल सस्पेंस एंड थ्रिल से भरपूर सीन देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ जबरदस्त डायलॉग भी सुनने को मिलते हैं। और इस मूवी के अंदर सुपरस्टार रवि तेजा ने कुछ अलग करने की कोशिश की है, लेकिन अगर बात करें उनके लुक की तो उनका लुक हमें ज्यादातर एक ही देखने को मिलता है हर मूवी के अंदर। वो अपने लुक में ज्यादा चेंज नहीं करते, ऐसा क्यों करते हैं इसकी खास वजह तो नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से लुक को थोड़ा बहुत चेंज करते रहना चाहिए ताकि पब्लिक के बीच और फैंस के बीच और भी ज्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट हो सके। वहीं अगर बात करें इस मूवी के हिंदी डब की तो उससे पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आप में से कौन कौन इस मूवी को हिंदी डब में देखना चाहता है और आपको रवि तेजा की कैरियर की वन ऑफ द फेवरेट मूवी कौन सी लगती है, आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, कोई एक मूवी का नाम लिखकर नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर बात करें इस मूवी के हिंदी डब की तो अभी तक इस मूवी के हिंदी डब को लेकर कोई भी अपडेट निकल कर नहीं आई है, जिसका मतलब ये साफ है कि इस मूवी को हिंदी डब में नहीं रिलीज किया जा रहा है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि पिछली कुछ फिल्में जो कि पैन इंडिया लेवल पर रिलीज की गई हैं उनमें से किसी भी मूवी को हिंदी डब में हिंदी ऑडियंस की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। ऐसे में इस मूवी को पैन इंडिया लेवल पर हिंदी में रिलीज करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन जो लोग इस मूवी के हिंदी डब में रिलीज होने का वेट कर रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट सोल्ड आउट हो चुके हैं और इस मूवी का हिंदी डबिंग का काम भी स्टार्ट हो चुका है। तो ये मूवी रिलीज के 2 से 3 महीने के बाद आपको हिंदी डब में टीवी और यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी, जबकि इस मूवी को 7 अप्रैल को सिनेमा घरों में रिलीज कर दिया जाएगा, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल वाले आइकन को दबा देना ताकि ये मूवी जैसे ही हिंदी में रिलीज हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।